नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन विजयलक्ष्मी जी बिश्नोई। विजयलक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी में। मैडम, आप राजनीति मैं यूं कहूं कि आपके खून में है, आपको विरासत में राजनीति मिली। आपके पिताजी राजस्थान के एक बड़े कदावर नेता के रूप में जाने जाते थे। क्या सीखा आपने, क्या देखा था राजनीति की तस्वीर, क्या समझ के आई थी, और आज की परिदृश्य में अपन देखें तो क्या वो जो जिन उसूल के साथ में आप आई थी और सब कुछ देखा था, क्या वैसा नजर आता आपको? मेरे पिता जिस तरह के व्यक्ति थे तो उनका बहुत असर मेरे व्यक्तित्व पे पड़ा। वो बहुत ही ईमानदार, बहुत सुलझे हुए, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के, और जिसको कहते हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल से ऊपर उठकर आए हुए व्यक्ति थे। और उनसे मैंने विनम्रता, सादगी, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, ये सब सीखा। उस ज़माने को, उन लोगों को अगर आज के हमारे जो भी राजनीति में लोग हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि वो एक उसूलों की राजनीति करते थे। उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम भी है उसमें भाग लिया, बहुत लंबी एक लड़ाई लड़ी जागीरदारी प्रथा के खिलाफ। मारवाड़ किसान सभा थी, बलदेव राम जी मिर्धा ने जिसको बनाया, उसमें मेरे फादर जनरल सेक्रेटरी थे, और बहुत बड़ी एक मुहिम जागीरदारी प्रथा के खिलाफ, क्योंकि किसान बहुत ही उस समय त्रस्त था, बहुत ही पीड़ित था, तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया था। और बहुत लंबी मुहिम के बाद में इनको सक्सेस भी मिला, और 51 में ये कांग्रेस में विलय हो गया था इसका। तो उसके बाद में कांग्रेस की विचारधारा के साथ इनकी विचारधारा मिल गई। तो उस समय के जो नेता थे वो एक मकसद के साथ राजनीति में आए थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, गरीबों को किस तरह से सहायता कर सकें, किस तरह उनकी पीड़ा दूर कर सकें। जबकि आज मनी पावर, मसल पावर, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लोग, और जिसको कहते हैं शान शौकत दिखावा, इसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जबकि पुराने जो राजनीतिज्ञ थे वो बहुत सादगी से अपना जीवन जीते थे। और मुझे ध्यान है हमारे घर में, मैं कहूँगी आज भी जो मेरा पैतृक निवास है, मेरे पिता का घर, वहाँ पे सीमेंट का फर्श है, जबकि सब जगह आप देखते हैं आजकल मार्बल के, और मार्बल में वैरायटीज, हाँ, बहुत बढ़िया से बढ़िया इटालियन मार्बल भी होता है। लेकिन वो उनका मकसद पैसा कमाना है या कोई पावर के लिए नहीं था, वो किस तरह से आम आदमी के काम आ सके, उनका मकसद ये था। मेरे फादर तो एक बहुत ही उच्च कोटि के वकील भी थे, और किसानों के केस बिल्कुल निशुल्क लड़ते थे, उनसे कोई मेहनताना भी नहीं लेते थे, और हजारों बीघा जमीन उन्होंने किसानों को दिलवाई केसेस लड़ लड़ के। यूं कही जा सकते हैं कि वो जो जमाना था सिद्धांतों का जमाना, सिद्धांत बिल्कुल, आज दिखावा बहुत ज्यादा रह गया है। वो सिद्धांतवादी राजनीति करते थे और आज दिखावे की राजनीति ज्यादा है। तो आपको लगता है कि यही वजह हो सकती है कि आज पॉलिटिशियंस हैं उनको जो एक सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में जो तीन स्तंभ, विधायिका में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायिका में जो काम करते हैं, उनके प्रति जो एक नजरिया है आमजन का, आप खुद भी जनप्रतिनिधि रही हैं, एमएलए रही हैं, संसदीय सचिव रही हैं, तो जो नजरिया है आपने खुद ने भी देखा कि वो वक्त जो आम जन का जो नजरिया जनप्रतिनिधि के प्रति होता था, आज का जो नजरिया, उसमें भी अंतर आया, क्या मानते हैं आप? उस समय जनता बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से अपने राजनेताओं को देखती थी, और बहुत लंबे समय तक 6-6, 7-7, 8-8 बार वो विधानसभा में चुनकर आते थे। जबकि आजकल ऐसा होता है कि एक बार जीतने के बाद दूसरी बार जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे नेता हैं उनकी संवेदनशीलता कुछ कम हुई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टोटली सब असंवेदनशील है, कई बहुत अच्छे लोग भी हैं राजनीति में। हमारे मुख्यमंत्री जी को लीजिए, बहुत संवेदनशील हैं, गरीबों के प्रति उनके मन में एक दया भी है, दया का भाव है, प्रेम का भाव है। तो इस तरह के और बहुत से ऐसे हमारे नेता हैं जो जनता के बीच में जाते हैं, उनके बीच में रहते हैं, और बार बार जीत कर इसी वजह से आते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि इन लोगों के पद चिन्हों पर अगर हम चलें तो कुछ हद तक हम जो पुराने हमारे नेता थे उन जैसा बन सकते हैं। आपने वैसे पहले, आपके पिताजी आपके राजनीति में थे, आपने देखा सारा परिदृश्य किस तरह से राजनीति, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, या वाकई आपने पहले से ही तय किया हुआ था कि मुझे राजनीति में जाना है या कुछ और बनना था? मैं राजनीति में बिल्कुल आना नहीं चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और मेरे पिता मुझे IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे।
लेकिन नियति का खेल ऐसा हुआ कि मैं राजनीति में आ गई, और क्योंकि अब इसमें जब आ ही गई हूँ तो आई गिव इट माई बेस्ट शॉट। मैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो करने की कोशिश करती हूँ, लो प्रोफाइल रखती हूँ और ईमानदारी से अपना काम करती देखिए, राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है। सेवा करने के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है, समाज सेवा है, और अभी आपको समाज कल्याण बोर्ड भी मिला हुआ है। तो राजनीति का जो भी परिदृश्य जो बना हुआ है, जो हालात बनते जा रहे हैं, क्या एक शरीफ आदमी अपने आप को सेवा का माध्यम राजनीति को बना सकता है? अगर देखा जाए तो राजनीति में सभी प्रकार के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि शरीफ जी व्यक्ति इसमें नहीं आ सकता, अवश्य आ सकता है और सेवा का माध्यम इसको बना सकता है, लेकिन राजनीति को एक सेवा का माध्यम सोच के ही राजनीति में आना चाहिए। सही तरीका तो वही है जी और उसी से हम जनता के दिल में अपनी पहचान बना सकते हैं, अपनी पैठ बना सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, सिर्फ पावर हासिल करने के लिए, सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए राजनीति में आना है तो ये बहुत गलत सोच है, और ये ऐसी राजनीति ज़्यादा लंबी चलती भी नहीं। जी आपके पिताजी पूनम चंद जी का एक नाम दास्तान में हुआ करता था। लंबे समय तक कि वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, पार्टी में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आप विजयलक्ष्मी जी हैं, उनका उनका जो नाम है विरासत में, क्योंकि राजनीति आपको मिली, तो उनका कितना फायदा आपको उससे मिल रहा है? मुझे उनके नाम का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर ये पूनम चंद जी की पुत्री है तो कुछ उनके गुण अवश्य इनमें होंगे, और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि मेरे फादर जब 1957 में फर्स्ट इलेक्शन लूणी विधानसभा क्षेत्र से जीते, उसी दिन मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम विजय लक्ष्मी रखा गया। हो सकता है उसी दिन नींव पड़ गई हो कि आगे आने वाले भविष्य में मुझे राजनीति में आना है। और मेरे पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनके नाम का मुझे जितना फ़ायदा है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक मुझे पहचान मिली। विजय लक्ष्मी को कोई नहीं जानता था, अब ऑफ कोर्स मेरे काम को, मैंने जो भी महिला कांग्रेस में रहते हुए विधायक के रूप में कार्य किया उससे मेरी पहचान बनी, पर शुरू में जो मुझे वोट मिले या जो पहचान थी वो मेरे पिता की ही पहचान थी। जी अभी आपके पास में महत्वपूर्ण दायित्व समाज कल्याण बोर्ड का, वर्षों से बोर्ड काम कर रहा है, आप देख रहे हैं तो बहुत बारीकी से सब चीज़ों को, एक स्थितियां भी सामने आ गई हैं। पॉलिटिकल पोस्ट है लेकिन सेवा की बहुत गुंजाइश है। आपको क्या लगता है कि अभी क्या ज़रूरत है यहाँ पे काम करने की? समाज कल्याण बोर्ड में हमारी 6 स्कीम्स हैं, उसको हम एनजीओज के थ्रू रन करते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है उसमें कुछ इनोवेटिव करने की आगे की हमारी सोच है। उसमें जैसे अभी मैंने सोचा है, हमने एक प्रपोजल भी भेजा है सेंट्रल बोर्ड को कि कुछ ज़िले जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो शिक्षा के उसमें क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे स्त्री शिक्षा, क्योंकि बोर्ड महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करता है, तो उसमें हम चाहते हैं कंप्यूटर मोबाइल वैन हम गाँव में और शहर की कच्ची बस्तियों में इन ज़िलों में भेजें, जहाँ बालिकाओं को और जो पढ़ी लिखी गरीब महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर शिक्षा दी जाए, ताकि उनको घर पे ये अवसर मिले। क्योंकि कई बार बच्चियों को भेजते नहीं है पेरेंट्स, लड़कों को भेज देते हैं लेकिन लड़कियों को कम भेजते हैं, तो मैं सोचती हूँ ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा और इससे दूर दराज के हमारे गाँव में भी बच्चियों को, महिलाओं को पढ़ने का अवसर, कंप्यूटर एजुकेशन का अवसर मिलेगा। मैडम देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल और है, क्योंकि जन टीवी ने इस मुहिम को उठाया भी, हम हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से प्रयास भी कर रहे हैं, एजुकेशन में भी कोशिश की जा रही है। आपका जो एरिया है जहाँ की आपने बात कर रहे हैं, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे पलायन जो करके लोग जाते हैं, चराहा जिनको बोलते हैं, ये हाँ, चरवाहे, हाँ, ऊँट हैं अपने, बकरियाँ, भेड़, इनको लेकर हाँ, के चलते हैं, वो क्या एक जगह नहीं रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं अपनी स्थान में, तो उनकी पढ़ाई सबसे बड़ी एक समस्या हाँ, है, एक चैलेंज। चलिए जैसे कि उन्होंने अपना जैसा भी जीवन जिया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है अगर उनको हम नहीं पढ़ा पाते हैं तो आज 21वीं सदी में हम उनके साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके बच्चों और महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने को व्यवस्था की, जैसे कि आपने मोबाइल वैन की बात की है, तो इस तरह की कोई स्कीम चाहते हाँ हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपने ये मेंशन किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो घुमंतू जातियाँ हैं इसमें शिक्षा का अभाव है, क्योंकि एक जगह ये रहते नहीं हैं तो नेचुरली वो शिक्षा भी पूरी प्राप्त नहीं कर सकते, और आज शिक्षा के अभाव में ही आप देखते हैं कि गाँव में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में मिला, लेकिन फिर भी सरपंचपति, प्रधानपति ऐसे पद क्यों हैं? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। अगर महिलाएं शिक्षित हों तो
अपना काम स्वयं कर सकती हैं। तो आगे आने वाले समय में अवश्य कोई घुमंतू जातियों के लिए भी हम हमारे बोर्ड के द्वारा और मुख्यमंत्री जी को भी हम कह सकते हैं कि इस तरह का कोई मतलब एक प्लान बनाया जाए, एक स्कीम बनाई जाए जिससे इन घुमंतू जातियों के बच्चियाँ, बच्चे और महिलाएं भी शिक्षित हो सके। देखिए आप ये समाज कल्याण बोर्ड का एक निश्चित रूप से एनजीओज के माध्यम से आप काम करा रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज अभी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कौन सा क्षेत्र राजस्थान का मानते हैं कि जहां वाकई ही बहुत नीड है और समाज कल्याण बोर्ड को इतना काम करना चाहिए था इस क्षेत्र में जितना नहीं हो पाया, आपने देखा होगा? एक्चुअली राजस्थान में कई तरह के इलाके हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वगैरह, ये आदिवासी बेल्ट है। इसी तरह रेगिस्तानी बेल्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र हैं, नहरी क्षेत्र है जैसे गंगानगर वगैरह। तो बहुत ही एक विविधता है राजस्थान में। जो मुझे लगता है वो एक तो आदिवासी जो एरियाज़ हैं उसमें हमें और काम करना चाहिए, लेकिन समाज कल्याण बोर्ड का हम जो ये इनोवेशन है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, इसको जोधपुर और जैसलमेर वगैरह से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जो आदिवासी बेल्ट है उसके लिए वैसे भी स्कीम्स काफ़ी हैं सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो रेगिस्तानी बेल्ट है इसके लिए स्पेशल कोई पैकेज नहीं है। मेरे फादर का एक ड्रीम था कि जो रेगिस्तानी इलाका है इसके लिए अगर वो कभी संसद में जाएं तो एक स्पेशल पैकेज के लिए ट्राई करेंगे जो इस रेगिस्तानी इलाके को केटर करता हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो उनका जो सपना था, मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरह चाहे इतने वृहद रूप में नहीं, छोटे रूप में ही इसको शुरुआत करूँ, इसको फुलफिल करूँ। निश्चित रूप से मैडम, ये आपको बहुत ही एक सेवा का मौका मिला है और आपके पिताजी की बड़ी नेक इच्छा थी, अगर पूरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इसका समाज को लाभ मिल सकेगा। एक मुलाकात में वक्त हो चला एक ब्रेक का, या लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन विजय लक्ष्मी जी विश्नोई। आप बात कर रही थी मैडम कि हम लोग राजस्थान के अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनमें महिलाओं और बच्चों के लिए जो डेवलपमेंट किया जा सकता है, खासकर एजुकेशन की बात कर रही थी, निश्चित रूप से उसकी काफ़ी नीड है। और दूसरा आपने कहा कि आदिवासी बेल्ट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, और मेरा जहां तक मानना है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं मीडिया में बातें भी आती हैं, कि राजस्थान में जितना एनजीओज काम आदिवासी बेल्ट में कर रहे हैं शायद पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैडम वहाँ पर आज भी इतनी गुंजाइश है। आप देख सकते हैं कि बाउंडेड लेबर का बहुत बड़ा एक वहाँ पर रैकेट चलता है, चाइल्ड लेबर का बहुत ज़बरदस्त काम चलता है, बीटी कॉटन के लिए गुजरात लोग जा रहे हैं जिसमें महिलाएं बच्चे सभी शामिल होते हैं, तो ये एक वजह क्या है कि आज तक भी वो उन्मूलन नहीं हो पा रहा उनका? कहीं पे कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है इसमें। हमारे जनप्रतिनिधि जो एनजीओज हैं, जनता एज अ होल, सबको एक संयुक्त प्रयास करना चाहिए कि इन लोगों में थोड़ी जागरूकता ज़्यादा लाए। ये बहुत बैकवर्ड हैं, यहाँ के जो नेटिव्स हैं बहुत बैकवर्ड है। मैं सोचती हूँ इनमें अगर शिक्षा का प्रसार हो तो भी अपनी राइट्स और अपने भले बुरे को ज़्यादा बेहतर पहचान सकेंगे। शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का, उनको एजुकेट करने का, उनको अपनी जो राइट्स हैं उनके प्रति जागरूक करने का। तो मैं सोचती हूँ अगर शिक्षा भी उनको ढंग से दी जाए और शिक्षित हों तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड किसी दूसरे स्टेट का इस तरह की कोई रिसर्च कर रहा है स्कीम की कि वहाँ पे उसके बेनिफिट्स मिले हों, अपन भी उसको लॉन्च करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा, एक दो स्टेट में ये मोबाइल वैन उन्होंने शुरू की है और उसका अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने सोचा क्यों नहीं राजस्थान में भी इसे शुरू किया जाए, क्योंकि एक अपने तरह की एक अलग सी योजना है, पहले किसी ने इसको टैप नहीं किया, तो अगर हम ये कर पाएँ तो मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, आपके पास में महिला कांग्रेस का भी दायित्व है राजस्थान में, बहुत ही कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, अभी क्या स्थिति है, बात करें पार्टी में अगर महिलाओं के नेतृत्व को लेकर? महिलाओं की संख्या करीब करीब पुरुषों जितनी ही है, करीब करीब 50% है, उसको देखते हुए महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, उन्होंने एक पहल की कि 33% आरक्षण महिलाओं को राज्य की विधायिकाओं और संसद में दिया जाए, और उसके जो बिल है वो राज्यसभा और कैबिनेट में पास भी हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि
ये जब टर्म लोकसभा का ख़त्म होगा उससे पहले एक बार बिल ज़रूर आएगा, क्योंकि सोनिया जी मन से चाहती हैं कि महिलाओं को ये आरक्षण मिले। अभी भी हमारी पार्टी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें विधानसभाओं में भी दे, और पार्टी में भी 33% नहीं तो भी जितना भी 10-15% है पार्टी के जो पद हैं वो दिए जाएं, और दिए गए भी हैं। हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान जी, उन्होंने इसमें काफ़ी ध्यान दिया, और मुझे खुशी है कि हमारी कई महिलाएं, उनको टिकट मिला, जैसे महिला कांग्रेस की थी मंजू मेघवाल हैं, वो महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थी और आज मंत्री भी हैं। इसी प्रकार गंगाबेन गरासिया जो हैं पिंडवाड़ा से MLA, वो भी हमारी पदाधिकारी रही हैं, और शकुंतला रावत है, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सकी लेकिन वो महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष है। सुमन यादव हैं, वो इस बार नहीं लेकिन उससे पिछली बार उन्हें भी टिकट दिया गया था। तो महिला कांग्रेस को और महिलाओं को कांग्रेस बिल्कुल तवज्जो देती है, लेकिन ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि इससे ज़्यादा उनको रिजर्वेशन मिले, इससे ज़्यादा उनको टिकट दिए जाएँ, चाहे विधानसभा के चुनाव हो और चाहे पार्टी के पर हो। देखिए मैम, ये जो 33% आरक्षण का मामला है संसद में वर्षों से चला जा रहा है, आपने भी बहुत बार देखा भी, पढ़ा भी, वहाँ की कार्रवाई को भी देखा है। कहाँ लगता है आपको कि अगर एज ए पॉलिटिशियन मैं आपसे बात करूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ कमी रहती है, कि कहीं ऐसा लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी हो राजनीतिक दलों में? अगर बुरा न माने तो मैं पुरुष वर्ग को कहना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा इसमें जो अड़चन है वो हमारे पुरुष ही लगाते हैं, कि उन्हें लगता है कि कहीं हमारी सीट्स कम नहीं हो जाएं। और बाकी जैसे पार्टी के हमारे मेंबर्स हैं वो तो सभी चाहते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी यही इच्छा है, हम सबकी इच्छा है, लेकिन एक पार्टी से सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारी पार्टीज इसमें अपनी तरफ से अगर पहल करें तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि किसी एक पार्टी के बस में नहीं है इस बिल को पास करवाना। भाजपा का दावा है कि उनके जो संगठन है उसमें 33% महिलाओं को उसमें जगह दी गई है, तो उन्होंने पहल की है, और कई बार कांग्रेस से जवाब भी मांगते हैं कि उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, और उनकी नीयत भी नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो पंचायती राज सिस्टम में 50% रिजर्वेशन मिला है, ये राजीव जी की सोच थी, आपको मालूम है, वो चाहते थे कि महिलाएं आगे बढ़े, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए, ये सब उनके सपने थे जो अभी पूरे हुए हैं। नगर पालिकाओं में भी जो रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, हमारी पार्टी द्वारा ही दिया गया है, और मैं सोचती हूँ कि जितना कांग्रेस महिलाओं के बारे में सोचती है, आप देखें कि प्रतिभा पाटिल जी अगर राष्ट्रपति बनी, ये कांग्रेस की सोच थी, कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से थी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला हैं, सोनिया जी। इसके अलावा आप कई पद देखिए जिन पे शीर्ष पदों पे महिलाएं हैं हमारी पार्टी की, तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस जितना महिलाओं के बारे में सोचती, मैं सोचती हूँ बीजेपी सपने में भी नहीं सोचती। अगले साल चुनाव है अपने राजस्थान में, और चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये भी माना जाता है कि पार्लियामेंट का सप्लीमेंट्री भी मान सकते हैं या सेमीफाइनल मान सकते हैं उसको। तो महिला कांग्रेस के आप लीडर हैं, और मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस होंगे, और हैं तो भी आप क्योंकि महत्वपूर्ण स्थिति में हैं आज कांग्रेस के में, महिलाओं का रेशो बढ़े इसको लेके कोई प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल प्रयास किए जाएंगे, हम ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं। हम तो मैडम सोनिया जी से भी मिलकर आए हैं, मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी से भी लगातार मेरी बातचीत होती है, और उनका भी ये मानस है कि पिछली बार जितनी महिलाओं को टिकट दिया गया, 22 महिलाओं को दिया गया, अब के वो संख्या उससे कहीं ज़्यादा होगी, ताकि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भी बढ़े, और उनको लगे कि भाई कांग्रेस सिर्फ कथनी में विश्वास नहीं करती, करनी में भी विश्वास करती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब के टिकट भी पहले से कहीं ज़्यादा महिलाओं को दिया जाएगा, और मैं पूरा प्रयास करूँगी अगर इस पद पर रही कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में मौका मिले। जी, वैसे तो बात करें चुनाव की, करीब करीब 11 से 12 महीने के बीच का इस वक्त है, तैयारियाँ लगभग प्रीलिमिनरी स्टेज पे शुरू भी कर दी गई हैं, हर पार्टी ने कर दी। महिला कांग्रेस की बात करें तो कुछ तैयारियाँ शुरू की आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, बूथ लेवल पे हम हमारी कमिटीज़ के लिए हमारे जिला अध्यक्षों को कह चुके हैं, उन्होंने काम भी शुरू किया है। अगर हर बूथ पर 5-5 महिलाओं की एक कमेटी होगी, तो मैं सोचती हूँ जब वोट डलवाने की बात होती है तो महिलाएं महिलाओं को और आसानी से ला सकती हैं, उनको मोटिवेट कर सकती हैं, और क्योंकि 50% वोट महिलाओं के भी हैं, तो हमारा जो
संगठन है उसको ग्रास रूट लेवल पे मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में अभी मैंने उदयपुर संभाग का टूर भी किया, उसमें डूंगरपुर जो सुदूर इलाका है, आदिवासी इलाका, बहुत उत्साह था महिलाओं में, बहुत अच्छा हमारा सक्सेसफुल सम्मेलन हुआ। हमने उदयपुर शहर में किया, चित्तौड़गढ़ में हमने सम्मेलन किया और बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छे बैकग्राउंड से एंटरप्रेन्योर्स, वकील और बिजनेस वुमेन और कांग्रेस से विचारधारा से जुड़ी हुई महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को भी जोड़ा है और बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है जो बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। ये अच्छी बात है, निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग आएंगे तो राजनीति में इसकी जो काया पलटनी चाहिए वो होना भी चाहिए। ऐसा आपको लगता है कि चुनाव सुधार को लेकर के एक बड़ी बहस है, कई बार कई मंचों से आवाज़ आती है कि चुनाव सुधार में ही सुधार की आवश्यकता है, मतलब चुनाव में जो एक प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आप कहाँ तक सहमत है इससे? चुनाव प्रक्रिया में कुछ सुधार किया जा सकता है, वैसे इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तो नॉर्म्स बनाए हुए हैं। मैं सोचती हूँ जो हर चुनाव पे जो बहुत ही बड़ी एक धनराशि खर्च होती है उसमें कमी लानी चाहिए, उस पैसे को उल्टा कोई और अच्छे चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई गरीब बच्चों के लिए और कोई फाइनेंस करने के लिए, कोई की बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की पढ़ाई, उसमें अगर हम लोग लगाएं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट ऑन इलेक्शंस, आई थिंक बहुत अच्छा रहे। क्योंकि पुराने जो लोग इलेक्शंस लड़ते थे हमारे नेता, तो इतना धन बल बाहुबल नहीं प्रयोग में लेते थे, अब आजकल इसका बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, जो मैं सोचती हूँ सही नहीं है। इस पर अंकुश लगना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए, पार्टी की तरफ से भी एक लिमिट लगानी चाहिए कि भाई इतना आप इसको बहुत ही सादगी के रूप में इससे लड़ें, चुनाव को लड़ें। जैसे अमेरिका वगैरह में चुनाव है तो उसमें कहाँ इतना पैसा खर्च होता है, तो ऐसा कुछ सिस्टम हम भी अपना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये राशि और भी ज़्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की जड़ भी यही है। हाँ बिल्कुल, हो सकती है, क्यों नहीं। तो इसलिए हमें बहुत ही इस बारे में बहुत एक गहन चिंतन की आवश्यकता है कि इलेक्शंस है उस पर बहुत, जिसको कहना चाहिए, बड़ी मात्रा में धनराशि नहीं खर्चो, उसको कम से कम सीमित साधनों में लड़ा जाए तो मैं सोचती हूँ बेहतर है। उससे क्या है कि जो कैंडिडेट गरीब है या जिसके पास इतना धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है, वो भी इस मैदान में आ सकता है। जी देखिए मैम, आज़ादी के 65 साल बाद हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों को जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल हो, कई सारी योजनाएं भी हैं, लेकिन वजह क्या मानती हैं, क्योंकि रूरल एरिया से आपका वास्ता है, देखते भी हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी, तो वहाँ अभी कहाँ कमी रह रही है कि पूरी तरह से उनको लाभ नहीं मिल पाता उन योजनाओं का? जैसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजनाएं, आपने देखा जननी शिशु सुरक्षा योजना है, चाहे 2 रुपये किलो गेहूँ है, चाहे मुफ्त दवा योजना है, पशुओं की दवा योजना, बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने दी है जनता को। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे एक तो हमारे पार्टी वर्कर्स को वर्क करना चाहिए, एक जो सरकारी तंत्र है जो सुदूर इलाके में उनके नुमाइंदे बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि जितनी योजनाएं हैं उसमें बहुत कम योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को और दूर दराज के लोगों को मालूम है। अगर उन्हें सब योजनाओं का पता, अकेले सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में इतनी योजनाएं हैं कि उनके खुद के अधिकारी भी नहीं जानते, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दूर ढाणी में बैठी हमारी महिलाएं, हमारे जो पुरुष हैं, बच्चे, उनको उन योजनाओं का लाभ मिले और उसमें सरकारी तंत्र, हमारे जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं और जनता, तीनों मिलकर इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, तभी ये संभव होगा, ये किसी एक के बस की बात नहीं। मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं, सब समय हो चुका है जी। एक सवाल है मेरा, महिलाओं को आज भी माना जाता है कि घर का जिम्मा, घर की लक्ष्मी के रूप में सब तरह से माने जाते हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, वक्त बहुत देना पड़ता है पॉलिटिक्स में, परिवार को किस तरह से आप समय देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके बच्चे की बर्थडे है, वो चाहते हैं मम्मी के साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन अगर पार्टी ने कोई काम कह दिया तो हमारे लिए वो प्राथमिकता रखता है। तो इसमें बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है, और स्पेशली अगर कोई के बच्चे छोटे हों तब तो और भी प्रॉब्लम की बात है, लेकिन लकीली मेरे बच्चे ग्रोन अप हैं तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। मैं यही करती हूँ कि जब मैं फ्री होती हूँ, जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होता, वो मैं घर पर रह कर बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ,
एक इवनिंग्स में मैं ज़रूर बच्चों के साथ, हम लोग साथ खाना खाते हैं, मेरा छोटा सा एक पोता है उसके साथ मैं खेलती हूँ, समय व्यतीत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे पॉलिटिकल करियर को और मेरे घर को मैं बैलेंस करके चलूँ। जी, राजनीति अब एक तरह से आपका माध्यम बन गया, कैरियर बना लिया आपने राजनीति में। जी, तो वैसे क्या लाइक क्या करते हैं, पसंद क्या है चीज़ें और आपको घूमना फिरना खाना पीना? मुझे एक तो पढ़ने का बहुत शौक है, मैगजीन्स नॉवेल्स अच्छा साहित्य अच्छे दोहे वगैरह मैं बहुत पढ़ना पसंद करती हूँ। उसके अलावा पेंटिंग का मुझे शौक है, अब नहीं करती हूँ लेकिन मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। और उस इसके अलावा मैं घूमना फिरना अच्छे नए स्थान देखना, अपने हेल्थ के बारे में भी मैं कॉन्शियस हूँ तो वॉकिंग करना योगा करना इसी तरह से एक सामंजस्य बैठा लेती हूँ अपने पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अब समय हो चुका है एक मुलाकात में विराम देने का। मैम आप हमारे स्टूडियो आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए मुझे भी इजाज़त, नमस्कार।